प्रदेश में राज्यसभा चुनाव तो संपन्न हो गए लेकिन सियासी बवाल अभी भी जारी है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दिए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर सतीश पूनिया ने जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि संयम लोढ़ा मंत्री बनने के लिए सदन में और सदन के बाहर कांग्रेस के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। राजनीति के आरोप प्रत्यारोप तो सामान्य बात है लेकिन संयम लोढ़ा राजनीतिक माइलेज लेने का कार्य कर रहे हैं। पूनिया ने कहा कि नोटिस का विधायी प्रक्रिया के तहत जवाब दिया जाएगा। नहीं, ये बनता तो वैसे तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ये सामान्य सी बात है, लेकिन उससे राजनीतिक माइलेज लेना ये व्यक्ति की नीयत पर निर्भर करता है। और यदि बनता है तो संयम जी को मुख्यमंत्री के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव देना चाहिए, क्योंकि मेरे से पहले 35 करोड़ के आरोप वो विधायकों पर लगा चुके थे। इसलिए क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू कि विपक्ष ने जो किया उस पर तो आरोप लगाओ, लेकिन उनकी नीयत में जहाँ तक समझ पाया कि वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ उनको जनादेश मिला और अब कांग्रेस की गोदी में जा बैठे, तो वो भी स्पष्ट कर दें कि उनको क्या प्रलोभन और क्या आश्वासन मिला। क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पाया कि उन्होंने जनता के उस जनादेश को ठुकरा के और कांग्रेस की गोदी में बैठे एजेंट की तरह काम करते हैं सदन में भी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।